तो बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस की। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि न्यूक्लियस इज अ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन ऑफ एटम एंड लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। ये हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पर लोकेट रहता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये साइज में बहुत छोटा होगा और बहुत ज़्यादा हैवी होगा। हैवी किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ऑल ओवर द मास ऑफ द एटम लाई टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। पूरा का पूरा न्यूक्लियस पर ही डिपेंड करता है और इसमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं साथ के साथ। सेकेंड पॉइंट इज ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम दैट इज प्रोटोन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सारे प्रोटोन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे। थर्ड पॉइंट इज न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटोन्स कलेक्टिवली आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज न्यूक्लियॉन्स। जब हम एक साथ प्रोटोन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं तो उनको नाम दिया जाता है न्यूक्लियॉन्स का। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, तो कंबाइंडली जब हम न्यूट्रॉन और प्रोटोन को बोलते हैं या कलेक्टिवली उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन फर्मी, यानी कि ये यूनिट है न्यूक्लियस को अगर आपको मेजर करना हो तो फर्मी यूनिट में मेजर होगा और 1 फर्मी में होते हैं 10^-13 सेंटीमीटर। ये न्यूक्लियस का साइज मेंशन करने के लिए या मेजर करने के लिए यूनिट है। द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1.5 × 10^-13 सेंटीमीटर टू 6.5 × 10^-13 सेंटीमीटर। मतलब न्यूक्लियस की रेडियस यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ तक बिलोंग करती है, या हम इसको कह सकते हैं कि 1.5 to 6.5 फर्मी तक ये बिलोंग करती है। यानी न्यूक्लियस का साइज ये भी हो सकता है, न्यूक्लियस का साइज ये भी हो सकता है। सिमिलरली अगर जनरली द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू दी r0 into a^3। r0 जो है वो एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1.4 × 10^-13। यहाँ पर आपको a की पावर 1/3 में मल्टीप्लाई करनी है सीधी सीधी। जो a होगा वो नंबर ऑफ शेल को बताएगा, वो उसके पर्टिकुलर एटम के साइज को बताएगा। तो ये हमारे पास आता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने के लिए फॉर्मूला। और दिस एग्जिबिट दैट न्यूक्लियस इज 10^-5 टाइम स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू द टोटल साइज ऑफ द एटम। जो न्यूक्लियस है बेसिकली वो पर्टिकुलरली पूरे एटम के साइज का 10^-5 टाइम छोटा होता है। यहाँ से एक रिजल्ट, ये कंक्लूजन याद रखना है।